हेलो फ्रेंड, तो ये मेरे हाथ में जियो का मोबाइल है, F220B है मोबाइल। तो इस पर जो है प्रॉब्लम, हैंग ऑन लोगों में अटक रहा है मोबाइल, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉडल नंबर इसका। तो इसको आज हम फ्लैश करेंगे, जो टेस्टेड फाइल है। अगर आपके पास हैंग लोगो रहता है या तो आपको सेट डेट रहता है तो भी आपका पोर्ट आपको लेना चाहिए। अगर आपका पोर्ट ले रहा है तो इस फाइल से आप डाउनलोड करके फ्लैश कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे फाइल का लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, तो आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे आपको ये दोनों फाइल आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये दोनों फाइल आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसका GB में कितना MB का है फाइल भी दिखा देता हूँ। ये 993.MB का है और ये इसका जो फ्लैश टूल है, तो यहाँ पे इसका भी आप देख सकते हैं इसका MB। तो ये दोनों को आपको मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आपको दोनों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको दोनों को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं आपको ये दोनों फाइल को एक्सट्रैक्ट करके और इस मोबाइल को फ्लैश करके मैं दिखाता हूँ ये ऑन होता है नहीं होता है सेट। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आपको फाइल डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट कर लेना है फाइल को। फाइल एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको सबसे पहले ये जो क्यू पेस्ट वाला, इसको आपको इंस्टॉल करना है। तो चलिए इसको मैं इंस्टॉल करके कर देता हूँ। तो ये सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल करना है अपना PC में। तो ये इंस्टॉल अभी हो रहा है, तो यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। आई एग्री पे चेक लगा के फिर से नेक्स्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट कर देंगे। तो ये जो हमारा टूल है, ये टूल अभी इसको फिनिश कर देंगे। ये इंस्टॉल हो चुका है अभी। तो ये जो हमने ये फाइल को एक्सेप्ट करके रखे, ये रहा है ये फाइल। तो हमको यहाँ पे अभी ये टूल को आपको इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे रहेगा उसका आइकन, यहाँ पे आएगा सी ड्राइव में। तो यहाँ पे सी ड्राइव पे चलते हैं। सी ड्राइव आने के बाद आपको यहाँ पे इसके अंदर आपको प्रोग्राम फाइल के अंदर मिल जाएगा इस तरफ क्यू पेस्ट बोल के इस तरफ मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको ये बिन वाला जो फाइल है यहाँ पे आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इसको राइट क्लिक करके आपको चाहे तो यहाँ पे डेस्कटॉप में कर देता हूँ। तो ये डेस्कटॉप पे आ चुका है अभी। तो ये फाइल को ओपन करता हूँ मैं। तो ये फाइल ओपन हो चुका है। तो एक साइड में यहाँ पे डिवाइस मैनेजर को भी ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको दो टिक आएगा, तो ये आपको इधर वाला का आपको टिक लगाना है और यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करना है। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आपका फाइल कहाँ है, मेरा यहाँ पे डेस्कटॉप पे है। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ। डेस्कटॉप पे आने के बाद ये रहा फाइल मैंने एक्सट्रैक्ट करके जो रखा था। तो सबसे पहले ये फाइल हम चढ़ा देंगे और चढ़ाने के बाद यहाँ पे हमको इसको सेकंड वाला जो है, तो ये जो फाइल है यहाँ पे आपको ये स्कूल में डेस्कटॉप पे जाता हूँ और ये वाला फाइल आपको ये दे देना है। उसके बाद आएगा आपको पाथ जीरो, तो ये पाथ जीरो वाला भी फाइल ले लेना है। अब लेने के बाद आपको यहाँ से USB सिंपली आपको फ़ोन में बैटरी लगाना है। बैटरी लगा के स्टार वाला बटन दबा के तो आपको डाटा केबल इंसर्ट कर देना है। तो इस तरफ आप देख सकते हैं, इस तरफ आपको डाटा केबल यहाँ पे मैं इंसर्ट कर दिया हूँ। अब यहाँ पे एक पोर्ट जो है, यहाँ पोर्ट ले चुका है। तो अगर पोर्ट यहाँ पे आपका शो नहीं होगा तो ये आपको सिलेक्ट पोर्ट पे आप क्लिक करके यहाँ पे आपको टिक मार्क लगा के ओके कर देना है। ओके करने के बाद सिंपली आपको ये डाउनलोड वाला जो बटन है इसको आपको ओके कर देना है। तो ये अभी हमारा जो है फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुका है। तो ये देखिए, तो अभी हम देखेंगे हमारा जो हैंग ऑन लोगों में अटक रहा था फोन, वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है नहीं होता है इस फाइल को। और मैं इसको पूरा ऑन करके भी दिखाऊंगा, ये टेस्टेड फाइल है। तो चलिए हमारा जो फाइल है अभी वो फ्लैश हो रहा है। तो कुछ ही सेकंड में ये हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है, कुछ ही सेकंड में हो जाता है फाइल। ये देख सकते हैं ये लाइनिंग अभी चालू है, यहाँ तक आपको कंप्लीट होगा। कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड बोल के आ जाएगा यहाँ ऑप्शन। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फिनिश हो चुका है, फिनिश डाउनलोड बोल के हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे डाटा केबल को एक बार निकाल देंगे। निकालने के बाद हमको यहाँ पे बैटरी को निकाल के फिर से हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और फोन को ऑन करेंगे।
तो ये अभी हमारा जो फोन है वो ऑन हो रहा है, तो ये पूरा 100% वर्किंग टूल में तो फाइल है, टेस्टेड फाइल है। तो फोन अभी ऑन हो रहा है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फोन अभी ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे हम लैंग्वेज सिलेक्ट कर देंगे, ओके कर देंगे, फिर अप्लाई कर देंगे और इसका IMEI भी चेक कर लेंगे। यहाँ पे *H06H, तो ये आप देख सकते हैं इसका IMEI भी है इसमें।